यहाँ पर सवाल ये होते हैं, साहिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, बार बार ये सवाल हो रहा है कि इतनी एक तो बिल्कुल यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर रॉन्ग साइड कोई एसयूवी कार लेकर आता है हाईवे के ऊपर, और फिर टक्कर होने के बाद इस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, तो रिहाई की इतनी जल्दबाजी किसे थी? आखिर कहां से पैरवी लगवाई गई कि तुरंत एफआईआर हुई और तुरंत ही जमानत मिल गई? जी दी, बिल्कुल, जो हादसा था काफ़ी दर्दनाक था, लेकिन जब इस पूरे मामले में हमने एसीपी गुरुग्राम से बातचीत करी तो उन्होंने यही जानकारी दी कि बेलेबल ऑफेंस था और इस मामले में कुलदीप ठाकुर को गिरफ्तार किया था, उसके बाद उनको जमानत पे छोड़ दिया गया था। लेकिन कुछ देर पहले अब एसीपी से दोबारा बातचीत हुई तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब कहीं ना कहीं पुलिस मामले की जाँच करी है, जाँच में कुछ धाराओं को और एड ऑन एफआईआर में किया जा सकता है, जिसके आधार पर एक बार फिर से कुलदीप ठाकुर की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की है, उसके बाद ही कुलदीप ठाकुर की गिरफ्तारी होगी। जब तस्वीर देख रहे हैं, इसी गाड़ी पे आरोपी कुलदीप ठाकुर एक्सयूवी कार में सवार था, सुबह 6 बजे के आसपास रॉन्ग साइड से आ रहा था, उसी दौरान अक्षत गर्ग बाइक पे सवार था, इसी जगह पे जोरदार टक्कर होती है, बाइक टकराती है और अक्षत गर्ग की मौके पे ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार कुलदीप ठाकुर को बेल किस कारण दी गई, किस आधार पर दी गई, लेकिन एसीपी का यही मानना है कि मामले की जाँच की जाएगी, उसके बाद तमाम जो तत्व वो खुलकर साफ हो पाएंगे। क्योंकि एक बार दर्शकों की बाइक की तस्वीर भी दिखाना, अब देखिए ये बाइक की पूरी तस्वीर, बाइक पूरी तरह यहां पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लेकिन परिवार वालों का यही है कि उनके परिवार वालों को इंसाफ मिले, आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, आखिर बाद में क्यों छोड़ा गया, अब उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अब पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या सख्त कार्रवाई करता है, क्या जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर में अन्य धारा को ऐड करते हैं, कुलदीप ठाकुर की दोबारा से गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं। जी साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, जांच में क्या चीजें सामने आ रही हैं, रॉन्ग साइड का वीडियो तो सामने आया ही था, लेकिन क्या जिस तरीके से अक्षत बाइक पर सवार था उसमें भी कुछ जो है वो खामियां देखने को मिली, क्या इसे लेकर भी पुलिस कुछ कह रही है? देखिए, पुलिस ने यही जानकारी दी कि 15 तारीख की सुबह अक्षत गर्ग अपने साथियों के साथ सुबह 6 बजे के आसपास दिल्ली से निकला था बाइक रेस करने के लिए। जब वो गुरुग्राम के फेज 2 मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा है तो उसी दौरान एक्सयूवी कार रॉन्ग साइड आ रही थी, उसको दोनों में आपस में जोरदार टक्कर होती है, जिसका वीडियो सबने देखा, क्योंकि जो उसका दोस्त था प्रद्युमन वो दूसरी बाइक पर सवार था, बाइक के आगे कैमरा लगा था, पूरी जो घटना है उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे तमाम जो बातें वो खुलकर साफ हो जाती है। एसीपी गुरुग्राम ने ये कहा कि जो बाइक चालक था अक्षत गर्ग, उसकी बाइक की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, एक ये भी कारण हो सकता है। दूसरी तरफ जो मुख्य कारण बताया जा रहा है कि एक्सयूवी का रॉन्ग साइड आ रही थी और ये जब बाइक से टकराती है तो बाइक की स्पीड काफी ज्यादा थी, अक्षत जंप करता है, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन अब इसमें पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात है। परिवार वालों का काफी ज्यादा रो रो के बुरा हाल है, मां यही मांग कर रही है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि एसीपी ने खास बात यह बताई है, जब आरोपी कुलदीप ठाकुर से लाइसेंस मांगा गया तो गाड़ी का लाइसेंस यानी कि ड्राइविंग का लाइसेंस वो अभी तक जो है पुलिस को जमा नहीं कराया गया, तो एक ये भी सवाल होता है कि जब आरोपी के पास लाइसेंस नहीं था तो किस ब्याह पे वो इतनी बड़ी गाड़ी को लेकर सड़क पे दौड़ रहा था। लेकिन लाइसेंस मिलेगा तो उस पर अलग कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं पुलिस में और जो धाराएं हैं वो एफआईआर में दर्ज कर सकती है। सोर्स ये बता रहे हैं कि इस मामले में गैर इरादतन हत्या जानकारी दे रहे हैं, घटनास्थल से एक एक चीज हमको दिखा रहे हैं, लेकिन आप गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में, लेकिन घटनास्थल पर अखिल हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अखिल, ये समझना चाहेंगे कि परिवार के लोगों का रो रोकर बुरा हाल है, मां लगातार दर्द के मारे कराह रही है और ये कह रही है कि पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है, उनके घर से उनका बेटा चला गया, उनके घर का चिराग बुझ गया और वहां पर पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है परिवार के भीतर संतुष्टि नहीं है। बिल्कुल, अगर देखें तो विक्टिम की फैमिली की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो अक्यूज्ड है इसके अंदर कुलदीप ठाकुर, उसके पास उस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जिस सेक्शंस के अंदर उसे अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट होने के बाद उसको बाद में उसको बेल भी मिल जाती है, तो परिवार का कहना यह है कि मेरा बच्चा जो है वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया, लेकिन जो मेन अक्यूज्ड है इस केस के अंदर उसको जो है इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई, क्योंकि इतना
इतना बड़ा ऑफेंस करने के बाद, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी उसको बेल कैसे मिल जाती है। इसके अंदर परिवार जो है, विक्टिम का जो परिवार है, वो कहीं ना कहीं मांग कर रहा है कि शायद इसमें किसी न किसी का इन्फ्लुएंस है, किसी बड़े का हाथ है। क्योंकि उस वक्त जब ये घटना घटी, वो जो गाड़ी है XUV 300 की जो कार है जिससे ये दुर्घटना हुई है, उस पर एक स्टिकर लगा हुआ था और उस स्टिकर पर बीजेपी के एक प्रमुख नेता का, जो कि पलवल रीजन के हैं, उनका स्टिकर, उनके नाम का स्टिकर लगा हुआ था। तो क्या उस अक्यूज ने उस इन्फ्लुएंस का, उस नाम का इस्तेमाल किया खुद को बचने के लिए या बचाने के लिए, ये पूरे मामले की तफ्तीश अभी जारी है। गुरुग्राम पुलिस जो है इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा आप देखिए, जो मेन अक्यूज है वो अभी रिहा हो चुका है, वो बिल्कुल अक्यूज को रिहा कर दिया गया है। और इसी को लेकर परिवार और जो पीड़ित माँ है वो सवाल भी यहाँ पर पूछ रही है। अखिल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर बात देहरादून की करें, वहां पर भी हादसे की तस्वीर सामने आई है जहां पर एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया। पूरे घटना की सीसीटीवी तो देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर रफ्तार का कहर किस तरीके से देखने को मिला है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर कैसे ट्रक के चपेट में ये बाइक सवार आता है। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है जहां पर बाइक सवार युवक की मौके पर ही जान चली गई। घटना के बाद आप देखिए कैसे ट्रक वहां से गुजर रहा है और बाइक सवार उसके नीचे आ जाता है। आपको बता दें कि इसकी जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं ये, जहां पर कैसे इस शख्स की मौके पर ही जान चली गई है। अलग अलग तस्वीरें रफ्तार के कहर की देखने को मिल रही हैं और देहरादून से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कैसे ट्रक वहां से गुजर रहा था तभी बाइक सवार उसके सामने से गुजरने की कोशिश करता है और वो ट्रक की चपेट में आ जाता है। ये हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास है। सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदू समाज के जो मंदिर दूषित किए जा सकते हैं उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। जो जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मंदिर में पाप कौन है गुनाहगार, ये बड़ा सवाल है और हम आपको बताएंगे। चर्बी वाला तेल आस्था से जो खेल लगातार चल रहा था, दरअसल ये मामला आंध्र प्रदेश का है और वहां पे जो वेंकटेश्वर मंदिर है, प्रसादम वहां मिलता है लड्डू के रूप में, उसमें एनिमल चर्बी, एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल करके वो प्रसाद तैयार करवाया जा रहा था। इसको लेकर चंद्रबाबू नायडू ने अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि इस मामले में जमकर जो है आवाज उठानी चाहिए। और आपको बता दें, जब सैंपल्स जांच के लिए पहुंचे तो ये पता चला कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं। अब इसको लेकर सियासत भी गर्म है, साधु संतों में भी नाराजगी है और भक्तों में भी लगातार कोहराम का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़, शर्मनाक। भगवान बालाजी के मंदिर में महापाप, शर्मनाक। देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट और फिश ऑयल मिले होने की पुष्टि हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तिरुपति के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर के प्रसाद को बनाने में जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। टेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला है कि लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी के अंश थे। रिपोर्ट में बीफ फैट, फिश ऑयल समेत कई और दूषित चीजें भी पाई गई है। ये खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि मामला सीधे सीधे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन को जाते थे उन्हें प्रसाद के तौर पर दर्शन के बाद यही लड्डू दिए जाते थे। इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनके उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली, जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। नाराजगी
ये केवल सियासी गलियारों तक नहीं है बल्कि ये मामला मंदिरों मंदिरों तक तो गूंज रहा है। बालाजी के मंदिर में जो महापाप किया गया है उससे देश भर के साधु संत भी भड़क गए हैं। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस पोल को खोला, तो मैं निवेदन करता हूं कि जो जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है और आस्था की घोटाला कांग्रेस ने किया है। कितने दुर्भाग्य की बात है। जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है, ये जिहाद किया है। बहुत पहले आंध्रा के मुख्यमंत्री पूरे तिरुपति स्थानम को ही देवस्थानम को ईसाई उसका ईसाईकरण करने में लगे थे। बीते रोज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में मिलावट होने के जो आरोप लगाए थे, कहीं न कहीं उन आरोपों पर अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर तिरुपति बालाजी में प्रसाद के तौर पर भक्तों को बांटे जाने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या जानबूझकर लड्डू के तौर पर दिए जाने वाले घी में एनिमल फैट मिलाकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश हुई, या फिर जगन मोहन सरकार ने नई कंपनी को घी की सप्लाई करने का टेंडर देते समय घी की गुणवत्ता चेक नहीं की? सवाल ये भी है कि जब 309 साल पुरानी खुफिया रसोई जिसे फोटू कहते हैं वो सालों तक जब नकली घी का इस्तेमाल होता रहा, तो मंदिर प्रशासन को घी में मिलावट होने की भनक क्यों नहीं लगी? और सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये कि अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो क्या जिन्होंने हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया उन पर कोई कार्रवाई होगी या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज तिरुपति बालाजी के लाखों करोड़ों भक्त चाहते हैं, जिनका धर्म भ्रष्ट करके उनकी आस्था के साथ खुला मजाक किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।